आप फैसला गलत कर दिए। अरे मुखिया का पावर क्या होता है आप बताते हैं साले को। ठीक है रुका। हाँ ठीक है बताओ। अबे राजू मरने आया तो गाड़ी के सामने आओ ना, कहाँ गेट से लग रहा था। आप ऐसे ही बीच रोड पर गेट खोलकर पिचकारी मारिएगा तो हमारे जैसा गरीब लोग गेट से टकरा कर मरेगा ही। अरे बबुआ कहाँ मुखिया जी के साथ नेतागिरी करने चल दिए। अरे नमक 200 रुपए किलो होने वाला है, जल्दी खरीद लो, कुछ सुने नहीं होगा। राजू तुम भी ना एकदम पगले हो, कहाँ सुन लिए ये तुम। अरे ये खबर सबको पता है, पूरा गांव राशन दुकान के लाइन में खड़ा है। खबर फेक भी तो हो सकती है राजू बाबू। अरे ये फेक फेक क्या है, फेक न्यूज। अरे रुकिए हम बताते हैं ना। आदाब, मीडिया साक्षरता पर केंद्रित हमारे विशेष कार्यक्रम बेवकूफ समझा है क्या में आपका फिर एक बार स्वागत है। फेक न्यूज का मतलब है ऐसी खबरें या जानकारी जो गलत या भ्रामक हैं और सच्चाई से मेल नहीं खाती हैं। फेक न्यूज को एक मनगढ़ंत कहानी की तरह समझें। हो सकता है कि सामने वाला आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ऐसा कर रहा हो या आपको बेवकूफ बनाकर किसी ऐसी चीज पर विश्वास करवाना चाहता है जो वास्तविक नहीं है। गाँव में अक्सर बच्चा चोरी की अफवाहें फैलती रहती हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां बच्चा चोरी के आरोप में किसी के साथ मारपीट की गई और भीड़ ने पीट पीट कर उसकी जान ले ली, लेकिन बाद में वे महज एक अफवाह निकली। इसी तरह कोरोना महामारी के दौरान बचाव के लिए टीके लगने लगे तो टीकों को लेकर भी कई तरह की फेक न्यूज़ फैलाई गई। मसलन कोरोना के टीके से पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, कोरोना की सुई देने से लोगों की मौतें हो रही हैं आदि आदि, ये सभी फेक न्यूज़ थे। आपने सुना होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेहरू परिवार से होने के बावजूद महात्मा गांधी का गांधी सरनेम इस्तेमाल करते हैं या उनका परिवार पहले मुस्लिम था, ये एक फेक न्यूज़ है। राहुल गांधी के दादा यानी इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था जो एक पारसी समुदाय से आते थे। चूंकि राहुल गांधी के दादा परदादा सबका सरनेम गांधी ही था इसलिए उनका परिवार गांधी सरनेम का इस्तेमाल करता है। फेक न्यूज अक्सर उल्टे पलटे तथ्यों, भ्रांतियों और खतरनाक अनुमान का प्रचार करती है। इसकी वजह से लोग सच्चाई की जगह गलत जानकारी पर विश्वास कर लेते हैं और फिर इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं, जिसका असर कई बार सामाजिक व धार्मिक भेदभाव के साथ साथ चुनाव पर भी पड़ता है। इसीलिए इंटरनेट के इस दौर में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जो कुछ भी सुनते हैं या देखते हैं उस पर विश्वास करने में जल्दबाजी ना करें। खासकर जो चीज़ आप ऑनलाइन देखते या पढ़ते हैं उसको पहले जांच लें कि वह सच है भी या नहीं। साथ ही ऐसी खबरें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने या फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर शेयर करने से पहले भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ समझे राजू। हाँ समझे, नहीं तो क्या मतलब, नमक 200 रुपए किलो नहीं हुआ है, कोई फेक न्यूज फैलाया है। अरे जहाँ तहाँ खबर देख के सच मत मान लिया करो। अब तो डर लगने लगा है चाचा, क्या सही है क्या गलत। अरे चिंता मत करो राजू, किसी दिन समय निकाल करके आओ, समझाते हैं न्यूज का सही स्रोत कैसे पहचानते हैं। ठीक है स्टार्ट। हाँ।